रामगढ़ के होटल शिवम इन के सभागार में एनडीए घटक दल की बैठक हुई, जिसमें लोजपा, जदयू और आछू के प्रतिनिधिगण शामिल हुए। इस बैठक में आगामी लोकसभा में एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा कि रामगढ़ जिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जदयू, आजसू और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए और ये पहली बैठक थी एनडीए घटक दलों के समन्वय की। तो इसमें प्रारंभिक रूप से समन्वय के सभी पक्षों पर चर्चा हुई, बूथ से लेकर के जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय कैसे हो, कार्यक्रमों में भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, सभी की सामूहिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इन सारे विषयों को लेकर डिटेल में चर्चा हुई और एक कार्ययोजना बनी और आने वाले दिनों में नीचे तक इस कार्ययोजना को उतारने का काम कैसे किया जाए ये सारी बातें तय हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये चुनाव हजारीबाग में हम लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री और यहाँ के सांसद रहे जयंत सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत उत्साह से एनडीए के घटक दलों के सभी प्रतिनिधियों ने इस चुनाव में भारी मतों से कह लीजिए कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि सभी सहयोगी दलों ने संकल्प लिया कि हजारीबाग सीट से जयंत सिन्हा को जिताना है और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। झारखंड में सबसे अधिक मतों से जिताने का संकल्प लिया और सभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है ये बात भी है। पूरा हजारीबाग का क्षेत्र है और एनडीए के घटक दल के सभी कार्यकर्ता इस बात पे सहमत थे कि पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र भाई मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने और हम घटक दल के कार्यकर्ता मिलकर के इसको निश्चित करेंगे कि ऐसा ही हो, दोबारा नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री बने ये निश्चित करना हम घटक दल के कार्यकर्ताओं का काम है। इस पर एक बड़ा उत्साह का वातावरण यहाँ देखने को मिला।